दोस्तों, रासा किचन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार और चटपटी करेले की सब्ज़ी। इसके पहले भी मैंने आप लोगों के साथ भरवा करेले की रेसिपी शेयर की थी, जिसे आप लोगों ने बहुत पसंद किया था। तो दोस्तों, इस करेले की सब्ज़ी को भी आप बना के देखिए, आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। तो चलिए मिलकर बनाना शुरू करते हैं चटपटे करेले की सब्ज़ी। तो यहाँ मैंने 250 ग्राम करेला लिया है और साथ में दो मीडियम साइज के प्याज है और 5-6 लहसुन की कलियाँ लेंगे। तो सबसे पहले करेले को हम काट लेते हैं। तो यहाँ मैंने इसके गोल गोल पतले पतले पीसेस काट लिए हैं। इसे मैंने पील नहीं किया है और यहाँ मैंने 2 टेबल स्पून सरसों का तेल गर्म होने के लिए रख दिया था। जब सरसों का तेल अच्छी तरह से गर्म हो जाए तो हम इसमें करेले डाल देंगे। फ्लेम हमें लो टू मीडियम ही रखना है। दोस्तों, यहाँ मैंने मस्टर्ड ऑयल यूज़ किया है, आप कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं। और इसे अच्छी तरह से स्टर कर लेंगे और इसे हमें तब तक कुक करना है जब तक कि करेले है वो लाइट ब्राउन कलर के ना हो जाए। अब हम इसमें स्वादानुसार नमक ऐड करेंगे और साथ ही मैंने इसमें 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर यूज़ किया है और एक बार इसे अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। नमक डालने से करेले जो हैं वो जल्दी कुक हो जाएंगे। तो इसी तरह इसे हमें चलाते हुए कुक करना है जब तक कि करेले जो है लाइट ब्राउन कलर के ना हो जाए। तो देखिए, करेलों का कलर भी चेंज हो गया है। तो अब हम इसमें हमने जो 2 प्याज लिए थे उसके हमने थिन स्लाइसेस काट लिए थे, उसे हम डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से हम मिक्स कर देंगे। तो प्याज को भी हमें तब तक कुक करना है जब तक कि प्याज जो है वो गोल्डन ब्राउन कलर के ना हो जाए। फ्लेम हमने मीडियम ही रखा है। यहाँ मैंने 1 टीस्पून लहसुन की कलियाँ, जो 4-5 लहसुन की कलियाँ थी उसे मैंने क्रश करके डाला है। आप चाहे तो लहसुन का पेस्ट भी डाल सकते हैं और इसे हम 1 मिनट तक और फ्राई करेंगे। तो प्याज भी है वो अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन कलर के हो गए हैं और करेले भी हमारे गोल्डन ब्राउन कलर के हो गए हैं। तो अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ मैंने 1/2 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर डाला है। आप स्वादानुसार लाल मिर्च का पाउडर कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और यहाँ मैंने 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर भर के डाला है। इसमें धनिया पाउडर की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा जाती है। बस ये 2 मसाले ही हमें इसमें ऐड करना है और इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। यहाँ मैंने 2 टेबल स्पून इमली का पल्प इसमें डाला है। यहाँ मैंने 1 टेबल स्पून इमली को थोड़े से गर्म पानी में सोक करके रख दिया था और फिर उसका पल्प निकाल के मैंने इसमें ऐड किया है। तो ये लगभग 2 टेबल स्पून इमली का पल्प है। इसे डालकर भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और साथ ही इसमें 1/2 कप पानी भी ऐड करेंगे ताकि करेले जो है वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो यहाँ मैं 1/2 कप पानी भी ऐड कर रही हूँ। अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे और इसे हम कवर करके मीडियम फ्लेम पे इसे हम तब तक कुक करेंगे जब तक कि करेले सॉफ्ट ना हो जाए। बीच में इसे स्टर कर लेते हैं। देखिए, काफ़ी पानी करेले का जो है वो सूख गया है। तो एक बार इसे हम फिर से स्टर कर लेते हैं। तो करेले जो है हमारे बनकर बिल्कुल तैयार है। इसे हम थोड़ा सा ऊपर से प्रेस कर लेते हैं ताकि अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो लीजिए दोस्तों, करेले की सब्ज़ी बनकर बिल्कुल तैयार है। ये चटपटे करेले खाने में बहुत ही मज़ेदार लगते हैं दोस्तों। आप इसे रोटी, पराठा, चावल किसी के साथ भी खा सकते हैं, बहुत बहुत ही यमी लगते हैं। तो हमारे करेले की सब्ज़ी बनकर बिल्कुल तैयार हो गई है। तो चलिए इसे डिश आउट कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कितनी शानदार सब्ज़ी बनी है और खाने में इसका टेस्ट वैसा ही शानदार है। तो इसे डिश आउट कर लेते हैं। दोस्तों, आप इस सब्ज़ी को एक बार ज़रूर बना कर देखिए, बहुत बहुत ही टेस्टी बनती है।
दोस्तों, अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसे एक लाइक ज़रूर दें, और साथ ही मेरे चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो जल्द ही मिलूंगी एक नए रेसिपी के साथ। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर।